हमसे जो बन पाएगा पंचायत में पूरे ईमानदारी से हम काम करेंगे, लेकिन हमें समाज के नौजवान लोगों की मदद की जरूरत है और सारे नौजवान नवयुवक को साथ लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ गौसपुर पंचायत के पहली बार मुखिया बने राम प्रदेश पासवान जी जुड़ गए हैं नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव, क्योंकि अब 9-10 महीना हो गया है पंचायत चुनाव का, तो इस दरमियान कई जगहों पे विकास की योजनाओं पे काम भी हुआ है। हालांकि बहुत जगह पे अभी काम शिथिल पड़ा हुआ है, उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि पैसा जो है पंचायतों को अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन डोंगल जो सिस्टम है जियो टैग जो है वो अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे पंचायतों में फंड रिलीज नहीं हो पाए हैं। हालांकि बहुत जगह पे लोग अपने पैसे लगा के भी पंचायतों में काम करवा रहे हैं। तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। सर, पहली बार मुखिया बने हैं, कितना लाइबिलिटी जो है बढ़ गया है, चूँकि आप तो ऑलरेडी उपप्रमुख भी रहे हैं, है ना, आपकी पत्नी रही हैं जी, पाँच साल हमारी पत्नी। अच्छा, सारा राजनीति तो देखते आ रहे हैं, इस बार चूंकि चुनाव भी जीते हैं तो कहीं ना कहीं से विकास का जो योजना है तो आपका लाइबिलिटी अब बनता है कि चूंकि 9-10 महीना हो भी गया है पंचायत चुनाव का, हालांकि ज़्यादातर पंचायतों में देखा जा रहा है कि अपने स्तर से भी लोग काम करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ वर्क हो रहे हैं अभी देखा जाए, कितना काम आगे बढ़ा है पंचायत का? यहाँ मेरे पंचायत में तो समस्या पैसे की है, डोंगल का है, डोंगल अभी तक मेरे पंचायत में खुला नहीं है, हमारा इस पंचायत का डोंगल खुला नहीं है और बैलेंस पैसा पहले से नहीं था, बाद में पैसा आए हैं तो लगभग हम मिला जुला का 20-25 लाख के काम जो से कराए हैं और काम योजना बहुत ली गई है, लेकिन डोंगल के अभाव में जैसे कि बरसात के कारण काम आगे की ओर नहीं बढ़ रही है, वह यही समस्या है। और मेरे पंचायत में पुस्तकालय नहीं है, पंचायत सरकार भवन नहीं है, नरेगा भवन नहीं है, यही समस्या है। और नरेगा कैसे बनवाएंगे, क्योंकि एक समस्या ये भी पंचायतों में देखा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन जिसके पास नहीं, करीब 2 एकड़ ज़मीन जो है ज़रूरी होता है पंचायत सरकार भवन के लिए, तो यहाँ पे तो ज़मीन उतना नहीं है। ज़मीन यहाँ पर है लेकिन सरकारी ज़मीन है, लेकिन बहुत लोगों के द्वारा पहले से कब्जा में है, और यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनता तो अच्छा रहता, पुस्तकालय नहीं है और पंचायत भवन स्थिति खराब है, लेकिन उसको हम 1 महीने के बाद उसको हम ठीक करा देंगे, सुंदर ढंग से बनवा देंगे। पंचायत भवन का अगर देखा जाए तो भले ही पंचायत सरकार भवन पे काम अभी चल रहा हो या फिर नहीं, लेकिन पंचायत भवन पे देखा जा रहा है कि ज़्यादातर पंचायत में वैशाली जिले को ही ले ले तो उस जगह पे लोग अपग्रेड जो है कम से कम करा दिए हैं पंचायत भवन, आपके पंचायत भवन अपग्रेड नहीं हो पाया, क्या रीज़न रहा? उतना मतलब खास करके मेरा पंचायत भवन ज़्यादा जर्जर स्थिति में नहीं है, मिला जुला कर ठीक है, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसको बहुत सुंदर ढंग से जैसे कि हम उसको सजा देंगे। मतलब रंगाई पोताई भी इस बार नहीं नहीं हुआ है पंचायत में देखा के बाद, बरसात के कारण रुका हुआ, बरसात के सीजन समाप्त होते ही उसको सुंदर ढंग से रंगाई पोताई बढ़िया ढंग से उसको ऐसा झकास में बना देंगे कि बुझाए कि कोई भवन आए। जी, एक चीज़ और है, पंचायत में सामुदायिक भवन जो है जो यूजलेस है उसको लोग अपग्रेड करवा के उसमें पुस्तकालय बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे पुस्तकालय बनने के लिए प्रपोजल ये सब आ गया है? प्रपोजल आ गया है तो मेरे यहाँ सामुदायिक भवन है लेकिन उसमें कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता है, हम यही सोचे हैं कि ग्राम सभा से पारित करा के उसी में पुस्तकालय का जैसे कार्यक्रम चालू करा दें। से अगर देखा जा रहा है तो आपका पंचायत अभी पीछे ही चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं पंचायतों में काम बहुत आगे तक बढ़ा है। सड़क जो 20-25 लाख रुपया बोले हैं कि काम हुआ है, तो उसमें क्या क्या योजना पे काम बना है? नाला जहाँ गांव डूबा हुआ रहता है, पानी गांव से पानी निकासी के लिए नाला प्रथम प्राथमिकता, नाला हमारा कुछ वार्ड है जो पानी में डूबा हुआ रहता है, पिछले बार पूरे दह गया था तो सबसे देखे कि गांव डूबे नहीं तो प्रथम प्राथमिकता में हमने नाला का काम लिया। जी, और क्या कुछ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुखिया बन गए हैं, हम लोग आपका पहले भी इंटरव्यू किए थे जब आप मुखिया प्रत्याशी थे, अब चूंकि मुखिया बन गए तो यहाँ पे क्या कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो क्विकली जो है उस पर वर्क होना चाहिए? व्यवस्था तो यहाँ पहला नंबर की स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए और कार्यक्रम और समाज शिक्षित समाज होना चाहिए, और हमसे 5 साल के अवधि में जो बन पाएगा
हम समाज के सेवा करेंगे, काम करेंगे और सब लोगों की मदद की जरूरत है, जनता की सहयोग और मदद की जरूरी है, अकेले हमसे नहीं होगा। अब 5 साल में हमसे जो पान पाएगा समाज के जनता को सेवा करेंगे और विकास के काम करेंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा, स्कूल में ज़्यादातर आपके पंचायतों में देखा जा रहा है जो है भी जीर्ण अवस्था में है, पढ़ाई भी सही रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं, उस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? स्कूल में शिक्षक की बहुत कमी है, शिक्षक लोगों के कमी के कारण कमाई पढ़ाई बाधित होती है जी, यही है और कुछ नहीं। स्कूल का बदहाली के बारे में क्या? स्कूल बदहाली, मेरे पंचायत में कोई स्कूल बदहाली नहीं, सब सुंदर ढंग से सुसज्जित बना हुआ है। हमारे पंचायत में स्कूल कोई बदहाली अवस्था में नहीं, शिक्षक लोगों की कमी है इसलिए पढ़ाई बाधित होती है। और यहाँ एक समस्या और भी था, हालांकि बहुत जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, कितना सड़क अभी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे बनने लायक? सड़क तो यहाँ बना हुआ है, तो बना हुआ सड़क कुछ जैसे कि वो डैमेज हो गया है, उसको जैसे कि रिपेयरिंग जरूरी है जी। पंचायत अपना प्रशासन शिविर भी लगाया गया था, तो पंचायतों से लोगों का आवेदन जी, तो उस पर कितना एक्शन हो पाया? कुछ है वहाँ कुछ आया लिखा, सब हर चीज के बारे में लिख करके दिया गया था, लेकिन अखीरतर उस पर कोई विचार नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं, चूंकि अभी तो पूरा टाइम बचा हुआ है 80%, कहे ना कि अभी समय बहुत बचा हुआ है, इस समय अवधि में हमसे जो बन पाएगा पंचायत में पूरे ईमानदारी से हम काम करेंगे, लेकिन हमारे समाज के नौजवान लोगों की मदद की जरूरत है और सारे नौजवान नवयुवक को साथ लेकर चलेंगे और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि विधायक निधि से हो, MLC के निधि से हो, सांसद निधि से हो, ला के पंचायत में विकास के काम करेंगे।